तो गाइस बाकी सारे राइडर्स जो है आ चुके हैं और आज का प्लान ये है कि आज हम जाने वाले हैं सोलन में, और सोलन में जाएंगे वाटरफॉल वाली जगह पे जो हम पिछले संडे को नहीं जा पाए। गए तो वैसे वही सोच के थे बट पहुंच पता नहीं कहाँ पे गए थे और वहीं पे हमने फिर एंजॉय किया। बाय द वे हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है संडे और आज भी जाने वाले हैं, आज हम संडे राइड के लिए आज हम जाएंगे सोलन में वाटरफॉल वाली जगह का नाम है रिवा वाटरफॉल है। बस देखते हैं आज कैसी होती है राइड और कैसी होती है अपनी जर्नी। तो और हाँ यार, काफी लेट कर दिया इन्होंने। भाई लेट किसकी वजह से है? हम हमेशा भाई इसी की वजह से लेट आते हैं। पता नहीं कौन से मेथी के पराठे खाता है, 6 बजे से रेडी हो रहा है, 7:20 पे ये बंदे और भाई घर से। और भाई देखो पूरे 8 बज चुके हैं, पर ठीक है भाई, आया हूँ कोके का ब्लॉग ना लेट हो, इसलिए कोकाज पराठे खिला रहा है। तो चलो ठीक है गाइस, अभी एज यू कैन सी पीछे देख रहे हैं लोग, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह देख रहे हैं, देखो पीछे पीछे। हाँ तो चलो ठीक है गाइस, यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, मतलब GoPro में। तो चलो राइड हो चुकी है स्टार्ट, मजे लेते हुए अब निकलते हैं। आज तुम्हारा भाई पक्का लेके जाएगा तुम्हें रिवा वाटरफॉल पे, जो कि हम पिछले संडे को कहते कहते पता नहीं कहाँ पहुंच गए थे। तो आज तुम्हारा भाई पक्का लेके जाएगा भाई। और हाँ यार, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज इतना शोर इसलिए है कि बिकॉज हिमाचल खुल चुका है और सारे भाई बड़ी जोश में है, बड़ी भगा रहे हैं। हमें थोड़ा सा स्लो चलना पड़ता है बिकॉज विंड नॉइज ना आ जाए, और विंड नॉइज तो अभी भी आ रहा होगा जिन्हें मेरे को पता है। तो चलो यार अभी बीच बीच में मिलते हैं, कवर करना है रास्ता। भाई मैं अभी भी कह रहा हूँ ये बाइकिंग है, इसमें पूरा घर बसा हुआ है, पूरा घर। फाइनली हिमाचल खुल चुका है और इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना टाइम बाद हम जा रहे हैं, इतने टाइम बाद। लास्ट टाइम पता नहीं हम कब गए थे, वो भी याद नहीं है मेरे को। तो यार ZX10R क्या बात है, यहाँ पे लीन करने का अलग नजारे हैं भाई। एक बार जाते हैं यार, ये जो आपको मोड़ में अभी ब्लैक ब्लैक सा जो ऑयल जैसे दिख रहा था, इस चीज के ऊपर भाई कभी लीन मत करना, गलती से भी मत करना भाई। जितना मेरे को लगता है मैं कभी भाई अगर लीन करता ना इस चीज के ऊपर नहीं करता भाई कभी भी, बिकॉज मेरे को ये लगता है कि यार अगर मैं इसके ऊपर लीन करूंगा ना तो भाई बाइक जो है भाई स्लिप हो जाएगी, क्योंकि भाई ये मेरे को ऑयल जैसा लगता है। काफी लोग करते भी हैं बट मैं भाई रिस्क नहीं लेना चाहता। इस चीज को थोड़ा अवॉइड करना, अगर लीन करने का मन भी कर रहा करो भाई, मैं मना नहीं कर रहा बट थोड़ा देख के करो। हाँ चिपक जा रामी। हिमाचल की हवा और ये सड़कें कॉम्बिनेशन यार कुछ तगड़े वाला है यार। कसौली के लिए जाता है ये वाला रास्ता, ये वाला, और ये जाता है सोलन के साइड। अरे आप तो हवा को ज्यादा तगड़े वाली लग रही है, लग रहा सूरज भाई की गर्दन बॉडी सब बगड़ गया। हरपाल भाई का तो बुरा हाल हो रहा होगा, मैं भी हरपाल भाई का ये फर्स्ट टाइम है अपनी बाइक के साथ। हाँ फर्स्ट टाइम ही है यार, क्योंकि हमने लॉकडाउन में तो हमने बाइक खरीद दी है यार। सोलन में पहुंच चुके हैं और सड़कें देख रहे, सड़कें फिलहाल तो ऑफ रोडिंग में थोड़े से फंसे हुए हैं। जब पैर रखा तो भाई पैर तो हो गए गंदे, तो आराम आराम से चलो, बिकॉज यहाँ पे पहली बात तो भगा भी नहीं सकते हम। तो आराम से ही चलना पड़ेगा। और क्या था, बस पहुँचने वाले, मैं भी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे बट उससे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे भाई, रुक के आराम से। संडे राइड हो और सबसे पहले रुक के ब्रेकफास्ट वगैरह ना करें तो मज़ा क्या भाई, तो चाय की चुस्की ना ले तो भाई मज़ा क्या राइड का। वैसे मैं चाय पीता नहीं हूँ बट फिर भी राइड के टाइम पे पी लेते हैं कभी कभी, मतलब ऑलमोस्ट राइड के टाइम पे ही पीता हूँ मैं। चलो भाई, सही यार लोकेशन लगा दिया है मैप पे और बस अभी 10 किलोमीटर मैप दिखा रहा है, बाकी देखते हैं कितना किलोमीटर है। अभी दूसरे रोड से दिखा रहा था 34 मिनट्स और यहाँ से दिखा रहा है 24 मिनट्स। और रोड देखो भाई, रोड यार ऐसे में भाई पूरी गड्डी वाली पूरी रेस वगैरह दे के आ रहे हैं, बिकॉज यार गड्डी रुक गई तो फिर दिक्कत हो जाती है। हो यार ऐसी रोड्स में तो और भी मजा आता है चलाने में यार, ट्रैफिक मिल जाए ना फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है।
पहाड़ों के बीचों बीच 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 में धूप, इतनी ठंडी हवा सी लग रही है ना यहाँ पे। वैसे यार हमारे लिए ये रोड जो है नॉर्मल ही है, कोई न्यू नहीं है, बिकॉज यार हमारे गाँव में भी ऐसी ही रोड होती है पहाड़ों में, और क्या मस्त रोड होती है यार। बट ठीक है भाई, कभी नेपाल की राइड भी कभी करेंगे, जब किस्मत ने जब चाहा तो नेपाल भी करेंगे। चला जा। A few moments later. हो गया साले, गिल्ला हो गया। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं रीवा वाटरफॉल पे, और वाटरफॉल देखो भाई साहब, पीछे देखो भाई, पीछे जन्नत है भाई, जन्नत से कम नहीं है ये। हर बंदा यहाँ पे गीला हो गया है। इन्हें देखो नजारे ले रहे भाई, ये नजारे टाइम लैप्स के मजे लो भाई, क्योंकि हम जाते हैं। तो गाइस अभी हम वाटरफॉल के वहाँ से आ चुके हैं बाइक के पास, और यहाँ से दूसरी लोकेशन पे जाने वाले हैं। दूसरी लोकेशन पे भी जाने का प्लान बन गया, फिलहाल अभी दूसरी जगह पे जा रहे हैं और वहाँ पे एंजॉय करते हैं। और साथ के साथ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि सूरज भाई की है, और हम आपको दिखाना चाहते हैं ये इंडिकेटर जो KTM के, जो KTM का, जो ये देखो पूरे फ्लेक्सिबल है भाई, रहने कर ली 360 भाई, ये 360 ये देखो भाई भाई बहुत सही चीज है। तो भाई जो भी है, अगर आपको ये वाले इंडिकेटर चाहिए होंगे तो लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट जरूर करना एक बार। तो चलो ठीक है गाइस, जो भी है अभी यहाँ का पहला भाई व्यू देखो, और यहाँ पे हवा इतनी प्यारी चल रही है, ये देखो व्यू, ओ भाई मजा आ गया, मजा। और भाई फिर कैसा लगा भाई वहाँ पे जाके, मजा आ गया भाई, मजा WWE बहुत खेला, WWE बहुत खेला भाई, फोटोज तो हमने बहुत क्लिक कराई है, व्लॉग नहीं बनाया, व्लॉग नहीं बनाया, करने का मन तो था, फिर वही है काफी ज्यादा लोग थे, और अच्छा भी नहीं लगता बैकग्राउंड में ऐसे ही, मतलब समझ रहे हो ना, हाँ एज रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो चलो दूसरी जगह पे मिलते हैं, और फिलहाल तो मैं मोटर व्लॉग सेटअप पे मिलता हूँ, ठीक है मिलते हैं। जो भी है भाई मज़ा आ गया वाटरफॉल में, वहाँ पे SD कैम से शूट किया था, तो मैनेज करना गाइस आज भी, जब जब हम SD कैम से शूट करेंगे तब तब आपको क्वालिटी से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अरे वाह रे वाह, पहले गियर पे क्या मज़ा आ रहा है यार उसमें चलाने में, बिल्कुल हल्की सी रेस दे कर रखो, कुछ ही नहीं करना, ना क्लच ना कुछ, चलते जाओ इस ऑफ रोड के मज़े लेते जाओ। तो गाइस पहुंच चुके हैं अभी कैफे में, और ये नोमैड्स कैफे है, कैफे का नाम है नोमैड्स कैफे। अभी बस चाय वगैरह बोला है तो अभी चाय पीते हैं अंदर जाके, और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, देन उसके बाद अभी चलते हैं, अभी बाइक को थोड़ा पानी वाली जगह में उतारते हैं। लोकेशन तो यार वैसे जहर वाली है ना, वैसे देखा जाए तो क्या लोकेशन है, वाह यहाँ से लाइटिंग आ रही है, तो थोड़ी सी देख लो ऐसे, वाह भाई वाह, अरे घोंसले भी हैं यार ये देखो, वाह वाह वाह। सो गाइस अब निकलते हैं यहाँ से, रेस्ट भी हो गया, खाना पीना भी हो गया, बाइक से हमारी इस साइड को पार्कड है, तो बस गाइस निकलते हैं अभी, और दूसरी लोकेशन पे अभी मिलते हैं सीधा। और मैगी का टेस्ट बताओ सर कैसा था? मैगी का टेस्ट तो ठीक ठीक था, चाय बहुत बढ़िया थी यार, जगह के पैसे सारे ठीक है ये तो है भाई। चलो गाइस अभी बाइक को स्टार्ट करते हैं, और कैमरा कैमरा रखते हैं बैग में, और निकलते हैं यहाँ से, चलो मिलते हैं। सो ये रही जगह, ओहो भाई, ओ भाई वाटर क्रॉसिंग, मजा आ गया ब्रो,
अरे वाह। सो गाइस फाइनली 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 लास्ट डेस्टिनेशन में हम पहुंच चुके हैं, और काफी घूमने के बाद काफी भटकने के बाद इन्हें एक टाइम पे ऐसा लगा कि भाई हम भूतिया जगह पे पहुंच चुके हैं। बार बार एक ही जगह पे घूमने जा रहे हैं, बार बार एक ही जगह पे घूमने जा रहे हैं। आंटी थी ना, हमने आंटी से पूछा, आंटी ये रास्ता नीचे जाता है? कहते हाँ जाता है। ओ यार, तो भाई जैसे तैसे करके देखो भाई पहुंच चुके हैं, और टोटली भाई टोटली ऑफ रोडिंग, पूरी ऑफ रोडिंग, लद्दाख मैक्स प्रो था ये। तो क्या बढ़िया, तुम लोग नदी पार करते हुए दिखाएंगे, अभी नदी पार करते हुए दिखाएंगे। ये वाली अभी जो पीछे जो दिख रही है वो जो है थोड़ा तेज जा रहा है, इसे देख लो भाई, ये भी जा रहा है। चल ठीक है भाई, तू जा, मिलते हैं आगे, मिलते हैं। अब हम भी पहुंचना रहेगा, पहुंचते भाई। सो गाइस फाइनली अब मेरी टर्न है, लेट्स सी, देखते हैं कैसा होता है। फ्लो तो भाई बहुत तगड़े वाला है। और ये रक्षक भाई जाते हुए, ओ ये कह रहा गलत काम करा रहे हो, जा भाई, सोचना नहीं है, डरना नहीं है, रेस देखे रखिए बस। भाई ज्यादा मैंने, चल मैं अभी आ रहा तेरे पीछे ही, चलो 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 चलो। पता नहीं आज की डेस्टिनेशन भी कहां से कहां होती जा रही है। ओह भाई इसको भी देखो एक और, अरे कहां ले, अच्छा यहां लेके जाना था भाई, भाई मैं तो चला। So guys, enjoy वगैरह बहुत हो चुका है, और अब निकलने का टाइम हो चुका है, 5:16 हो चुके हैं, और बस निकलना भी है, जाने में भी टाइम लगेगा, और निकलते हैं बस। बाकी कुछ कहना चाहते हो तो भाई? मजे आए, मजे घर पहुंच के बाकी। चलो ठीक है भाई, फिर निकलते हैं, और कोई हेलमेट उतारने को रेडी नहीं है भाई, बस ऐसे ब्लॉग एंड करना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, दिस इज द अल्फा राइडर साइनिंग ऑफ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और हाँ 28 अक्टूबर से पहले पहले 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने हैं बस।